ऑफकोर्स वी नीड हैबिट्स जो हमें डिसिप्लिन बनाए रखे, क्योंकि हैबिट्स एज वेल एज आपका डिसिप्लिन, ये दोनों ही टर्म्स इंटरलिंक्ड है। क्योंकि एक टाइम के बाद हैबिट्स ही एक वो चीज रहती है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपकी एक डिसिप्लिन के तौर पे आ जाती है। बट पर्सनली आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए डिसिप्लिन एक हैवी टर्म है, एज वेल एज उसको फॉलो करना तो उससे भी ज्यादा एक हैवी लोड वर्क है। बट अगर आप और मैं बहुत ही सिंपल या फिर टाइनी हैबिट्स या फिर स्मॉल हैबिट्स भी अडॉप्ट करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से एज अ डिसिप्लिन बना पाएंगे। और डोंट वरी, ये बहुत ही ज्यादा फ्लरिश या फिर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वो हैबिट्स नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है इन्हें अडॉप्ट करना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा अचीवेबल हैबिट्स है। एंड में आपसे एक एक्टिविटी भी कराई जाएगी जिससे आपको खुद के ऊपर, जिसमें हमने वो प्रॉमिस किया कि आपकी हैबिट्स बनाई जाएगी और आपको डिसिप्लिन भी बनाया जाएगा, इवन आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वो चीज अगर आप लास्ट तक रोकोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ये चीज आप और मैं मानेंगे, हमें डिसिप्लिन रहना है तो हैबिट्स तो बढ़ानी ही पड़ेगी। बट देयर इज अ नेगेटिव बैरियर जो इस गोल को अचीव करने से रोक रहा है, दैट इज दिस माइंड। नाउ दिस माइंड इज द बिगेस्ट बैरियर, बिकॉज इसको हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके जो भी हैबिट्स है, ये जो भी वर्क है, आप फिजिकली या मेंटली बोल दो, बट आप कुछ भी बोलो, आपकी स्टार्टिंग होती है इससे। क्योंकि मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये चीज़ आप डूएबल है, ये चीज़ आप कर सकते हो। आपने जितने भी एग्जाम्पल आपने वर्क किए हैं, चाहे वो एग्जाम्स की आप पढ़ाई कर रहे हो एज अ कॉलेज बींग या फिर आप कोई सर्टिन कुछ सीख रहे हो, आपके माइंड में आपने ट्रेनिंग दी है कि ओके दिस इज अचीवेबल, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बट अगर आपको कोई रेस दौड़ने को बोल दिया जाए, फिजिकल एक्टिविटी करने को बोल दिया जाए कि आपको 100 माइल्स दौड़ना है या फिर सर्टिन बहुत ज़्यादा हैवी माइल्स दौड़ना है, ठीक है 10 माइल्स दौड़ना है या फिर कुछ इतने हैवी हैवी वर्ड्स में बोलूँ, आपके माइंड को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इट इज़ अचीवेबल, लोगों ने किया है, जस्ट लाइक डेविड गॉगल ये चीज़ अचीव की, बट इट रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ द मेंटल स्टेट कि उन्हें बहुत ज़्यादा माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि ओके 100 माइल्स इज अ टफ वन, बट मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला हूँ। अब इस चीज़ को अगर कंट्रोल करने, भगवद्गीता में कृष्ण जी भी यही बोले कि अगर इस चीज़ को आप कंट्रोल कर लिए, यू कैन अचीव एनीथिंग। एज वेल एज अगर ये आपको कंट्रोल करने लगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आप फंस रहे होगे, क्योंकि आप अपने ऊपर कंट्रोल ना लेके इस चीज़ को दे रहे होगे। इन दोनों का मिलाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ योर विल एज वेल एज आपका माइंड। ब्रेन को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देना है तो दैट इज़ बाय सिंपल डूइंग, दैट इज़ फर्स्ट हैबिट जो हम करने वाले, दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ नथिंग बट के मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन आपके लिए भी वर्क करेगी, दैट इज़ आप अपने थॉट्स को आने देते हो, दैट इज सेंटिंग आइडल, अलोन में बैठते हुए आंखें बंद करते हुए जो भी आपको सोचना है सोचते रहो। बट इट्स लाइक कि ठीक है, मैंने आपको जो बैरियर लगाए थे वो सब मैं हटा चुका हूँ, ब्रेन मेरे को जितने थॉट्स लाना चाहता लाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समटाइम्स इट्स कैन बी कि आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करना अपन को, और 5 मिनट अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, सिर्फ 5 मिनट खाली बैठना है, अपने आप के साथ बात करनी है या फिर इनर मन से बात करनी है। और ज़्यादा है तो आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, यू कैन डू सिंपल थिंग, हैवी डीप ब्रीथ्स पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये चीज़ आपके न्यूरोसाइंस में बोला जाता है, ब्रीथ्स आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आपकी हार्ट रेट है, पल्स रेट है, ये सब चीज़ें आपकी एक बहुत ज़्यादा थोड़ी स्लो डाउन होती है। जैसे कि अगर थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन होती है तो आपकी ये जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों को हम अचीव कर लेंगे बाय मेडिटेशन, कि हम बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे होंगे, और दिस इज़ अ टाइनी हैबिट जो आपको कंट्रोल दे रहा होगा फर्स्ट स्टेप में कि ओके दिस बंदा या बंदी जो भी है ये मेडिटेट कर रहा है। इस मेडिटेशन वाले प्रोसेस से आपकी जो भी कंट्रोल है लाइफ का वो आपके ब्रेन से हटा के आप अपने पास ले रहे हो, दैट इज़ द फर्स्ट एंड बेस्ट पॉइंट। मेरा आपसे एक सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डे बाय डे या फिर हर दिन आपको ये लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, मतलब आपको किस चीज़ पे अपने ऊपर प्राउड होता है? कोई ना कोई चीज़ तो होगी। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर यू। मैं अपनी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ, दैट इज़ मेकिंग माई बेड जैसे ही मैं उठता हूँ। अब बोलोगे इतनी छोटी सी चीज़ के लिए तो मैं इतना ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है, स्पेशली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ दैट्स कॉल्ड मॉर्निंग रूटीन रखना। नाउ दिस इज वॉल्ट सिंपल सी बात है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ 4 किलोमीटर्स रनिंग करने, 100 पुशअप्स मारना है या फिर 200 पुलअप्स मारना, इन सब चीज़ें हार्ड वर्किंग एक्सरसाइज नहीं बोल रहा, हम टाइनी हैबिट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है, अगर आपके पास कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं है, यू कैन डू सिंपल थिंग, दैट इज़ जैसे ही सुबह उठते हुआ प्लीज़ अपने आप से प्रॉमिस करो कि यस आई विल बी मेकिंग माई बेड फ्रॉम माई ओन। दिस इज अ टाइनी हैबिट, आपको लग भी नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा आउटपुट निकलेगा इससे, बट आई नो कि ये चीज़ आपको एक विन वाली सिचुएशन पे आता है कि पहला काम आपने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया है, आपने अपनी लाइफ का जो स्टेयरिंग है वो अपने पास रखा है, और आप
एक छोटी सी हैबिट दैट इज मेकिंग योर बेड से स्टार्ट कर रहे हो, आप अपना बिस्तर खुद बना रहे हो और आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि एक्चुअली मैं आई एम टेकिंग कंट्रोल ऑफ माई लाइफ और मेरा ये जो पूरा दिन है ये मेरे अंडर कंट्रोल चल रहा है, ना कि मेरे दिमाग के ऊपर। और सिंस हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके हैं, नाउ द रियल वर्क स्टार्ट्स हियर। या फिर एक रात पहले भी इस चीज़ कर सकते, डिपेंड्स अपॉन यू। मेरे लिए उसी दिन करना भी अच्छा लगता है। दैट इज सिंपल सी हैबिट है, प्रायोरिटीज क्या है आज के दिन की। नाउ दिस इज व्हाट कि आज का दिन हम अपने आप से पूछ रहे हैं, जो पर्पस है आज के दिन का क्या है, कि आज के दिन मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं अगर दो काम या तीन काम भी कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ओके दिस इज इट, मैंने आज का दिन बहुत ज़्यादा अचीव किया है, मैंने आज के दिन के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। दैट इज़ वॉट कि आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जैसा कि अगर आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट हो, आज आपका कोई इंटरव्यू है फॉर द प्लेसमेंट सिनेरियो या फिर कुछ भी चीज़, तो आज की प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? कल अगर आपका प्लेसमेंट जैसी चीज़ों के लिए इंटरव्यूज है, फर्स्ट थिंग दैट इज प्रायोरिटी नंबर वन इज कि आपका कल इंटरव्यू है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। सेकेंड आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, इट्स मे बी कि आपका कोई एग्जाम आ रहा है जो दो तीन दिन बाद है उसकी। थर्ड प्रायोरिटी ऑब्वियसली होगी कि आप अपना ड्रेसअप को थोड़ा व्यवस्थित कर लो, कि आपको जो पहनो उसकी रेडीनेस करो, प्लानिंग हर चीज़ में लग रही होगी। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि यार अपन एक एनिमल नहीं है कि हमें कुछ भी दिख गया और हम बिल्कुल रिएक्ट करें। वी आर द ह्यूमन बींग्स और यही चीज़ हमें डिफ्रेंशिएट करती है, बिकॉज वी डू वर्क बाय प्लानिंग और यही हमें इंटेलेक्चुअल भी बनाती है। भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, जस्ट फोकस ऑन वन टास्क, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, कि आज के दिन ये काम हो जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। अपने आप से प्रॉमिस कर लिए कि ये चीज़ तो होनी ही होनी, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं बाहर जाऊँ कहीं भी जाऊँ, बट दिस इज माई टास्क, मैं ये चीज़ करूँगा, जिससे मेरे को अगले दिन के लिए एक कॉन्फिडेंट आए। और ये चीज़ अगर आप करते जा रहे, दैट इज़ द 1% रूल, कि आप अपने ऊपर 1% और बेटरमेंट कर रहे हो, और साल के एंड में आप कितने परसेंट बन जाओगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो बहुत लोग कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि मान लो कि आपको एक इंटेलेक्चुअल ट्रिप पे जाना है या थोड़ा सा एक कॉलेज ट्रिप पे जाना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जगह जा रहे हो, जस्ट लाइक पौंडीचेरी या कहीं भी। प्रॉब्लम विद दैट इट कि आप जब जाओगे तो आप क्या बिल्कुल लोअर टी शर्ट में पहन के चले जाओगे या फिर जस्ट लाइक एक नॉर्मल सी टी शर्ट या सेट शर्ट पहन के चलोगे? यू विल बी ड्रेसिंग वेल, क्योंकि आपको एक टाइप का अगर आप वैसा पहन के जाओगे, फर्स्टली आप बहुत अजीब लगोगे, दूसरा आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं गया, और तीसरा इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप दूसरों से बात करने में या फिर जो नई जगह आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो, जो भी आपको व्यक्ति मिलने वाले हैं पौंडीचेरी में, उन सब से आप एक अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति की तरह बात करोगे, क्योंकि आपने ड्रेसिंग नहीं किया। आई नो यार, सिंपल सा है कि कल के दिन अगर आप उठ रहे हो, प्लीज़ आप अपने वर्क पे जा रहे हो, जस्ट फोकस ऑन कि आप एक नॉर्मल सी फॉर्मल शर्ट पहन लो, और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं, ऑब्वियसली अगर गर्मी जैसा टाइम है तो आपके लिए ये एक शर्ट वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, बट अगर आप एसी वाले रूम में रहते हो या फिर सर्टेन बहुत ज़्यादा कूलेंट वाले रूम में रहते हो, प्लीज़ आप अपना शर्ट पहनना, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। आई डू एवरी सिंगल डे कि मुझे जब अंडर कॉन्फिडेंट लगता है कि आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को करने के लिए, आई जस्ट वेयर अ गुड टी शर्ट, ठीक है, जस्ट लाइक मुझे नॉर्मल वे में मैं टी शर्ट पहन के वीडियो बनाता हूँ, बट आई फील कि आज मुझे एनर्जी की थोड़ी सी कमी थी, सो आई वियर द नॉर्मल शर्ट, जैसे मुझे कॉन्फिडेंस मिले और वो कॉन्फिडेंस मेरी बातों पे आ रहा है। सो एवरी सिंगल टाइम जो भी आपका काम है, आप अपने लिए डिसिप्लिन बना रहे हैं या हैबिट बना रहे हैं कि आई विल बी ड्रेसिंग वेल, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरी लो फीलिंग हो रही है आज के दिन, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई विल बी ड्रेसिंग माई सेल्फ, और या फिर मैं अपने आप को ग्रूम कर रहा हूँ, दैट्स वॉट आई कॉल। नाउ दिस इज वॉट कि मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ इस चीज़ को। मैं एज अ पर्सनल व्यक्ति या फिर आप एज अ पर्सनल व्यक्ति, सभी लोगों को ग्रो होना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड इसमें कोई हार्म भी नहीं है, अच्छी बात है, सबको ग्रो होना चाहिए। जिस टाइम पे हम अपना जो सीढ़ी है या फिर जो स्टेयर्स है उसको लेना बंद कर देते हैं, हम स्टैग्नेटेड हो जाते हैं, ठीक है। आई नो कि कई बार ऐसा हुआ है, बिल गेट्स जैसे व्यक्ति हैं वो कई बार टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँचे, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट मैन तक पहुँचे, बट रिचेस्ट मैन बनने के बाद भी यार नेक्स्ट गोल क्या होता है? मतलब ऑब्वियसली किसी का कोई गोल ही नहीं हो सकता कि ओके रिचेस्ट मैन बन गए, अब मेरे को ज़रूरत क्या है। उन्होंने अपनी पुश किया, उन्होंने बोला ठीक है मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, दैट इज़ आई विल बी डोनेटिंग दिस मच अमाउंट फॉर द यूनिवर्स, ये होता नेक्स्ट स्टेप। या फिर आप बोला जाए तो एक आपका स्टैग्नेट, अगर आपकी सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन में आपकी लाइफ है तो आप स्टैग्नेटेड हो, आप ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, द लाइफ इज़ बोरिंग। That is what कि आपकी यहाँ पर आती है कि चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रोथ आपको चीज़ों को सीखने में ही मिल रही होगी,
कि हो सकता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपकी कॉलेज की पढ़ाई से आप सीख रहे हो, इन्वेस्टमेंट सीख रहे हो, आपकी बुक से कुछ सीख रहे हो, हैबिट सीख रहे हो या फिर समथिंग समथिंग सीख रहे हो. इट्स जस्ट कि आपका जो भी काम है उसमें ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा. इट्स जस्ट कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हो कोई भी चीज़ में, कि आपका अगर बिजनेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो. ऑब्वियसली यू आर नॉट द बिजनेस मैन, यू आर द कॉलेज स्टूडेंट, बट आपके ग्रेड्स, आप ऑल टाइम चाहते हो कि आपके ग्रेड्स बढ़ते रहते हो, उसके लिए आप लर्निंग करते रहते हो या फिर अपनी प्रैक्टिस करते रहते हो क्वेश्चंस के, एक्सेट्रा थिंग्स के. दैट्स इज व्हाट कि आपकी कंटिन्यूस लर्निंग, दिन का एक दिन, हर दिन आप ये काम कर रहे होगे कि आई विल बी 2 मिनट 3 मिनट, बट आई विल बी लर्निंग न्यू थिंग, या फिर मैं अगर कोई पुरानी चीज़ है उसको मैं पॉलिश कर रहा हूँ. इट्स जस्ट कि मैं बेड में जाऊँ तो मुझे लगे कि हाँ मैंने आज कुछ सीखा है या फिर मैंने कुछ किया है उस वे में. और यही एक 5 हैबिट्स थी जो सिंपली आप अचीव कर सकते हो, जो अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे. मतलब हार्ड हैबिट्स नहीं है, बहुत ही टाइनी टाइनी हैबिट्स है. मुश्किल से एक जगह कंपाइल कर दोगे तो सिर्फ आपका 1 घंटा जा रहा होगा, और मेरे हिसाब से वो चीज़ आप दे सकते हो. बट इट इज़ कि आप बहुत ज़्यादा वक्त इस पर लगा रहे होगे, और इस वजह से आपके एक डिसिप्लिन बढ़ता जा रहा होगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा होगा, एंड अदर थिंग्स बनती जा रही होगी. नाउ आई हैव अ चैलेंज फॉर यू, जो मैंने शुरू ही में आपसे वीडियो में कह दिया था कि आई विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. मैं 3 हैबिट्स अपने अंदर लेने वाला हूँ कि आज से, या फिर मैंने बहुत टाइम से कर रहा हूँ, 3 हैबिट्स मैं आज आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ करूँगा. मैं रोज़ कमेंट इस वीडियो पर करने वाला हूँ फॉर 7 डेज, कि आज के दिन मैंने ये 3 हैबिट्स करी या नहीं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ मैं पानी पीऊँगा ज़्यादा, दैट इज़ 3 to 4 liters ऑफ वाटर. सेकेंड हैबिट, मैं अपना बेड खुद बनाऊँगा. दैट इज़ ऑब्वियसली मैं 3 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ. थर्ड इज़ सिंपल एज दैट, मैं मेडिटेट करूँगा. दैट्स ओनली फॉर 5 मिनट्स, नथिंग मोर देट इट. अगर हो जाए तो अच्छी बात है. आप मुझे बताओ कि आप 3 हैबिट्स कौन सी करने वाले हो. आई नो कि इनमें से 2-3 हैबिट्स प्लीज़ रखो अपने पास. अगर ड्रेसअप करना चाहते हो करो, और मेरे साथ आप भी इस वीडियो के हर दिन आप कमेंट में आके करो, क्योंकि इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. क्योंकि ये एक टाइप की 4th हैबिट आप बना रहे हो, कि आपने जो भी अपने करा आज के दिन आपने किया, जो कल के दिन नहीं करा, जो भी चीज़ किया वो आप अकाउंटेबिलिटी रख रहे हो कि हाँ मैंने किया है तो मैं लिख रहा हूँ, नहीं किया तो मैं नहीं लिख रहा. और मैं हर एक व्यक्ति का नाम याद हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी लेस कमेंट्स. और अगर आप बार बार कमेंट करते हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट द स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम माई साइड. बाकी इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें सीखने मिल गई. आई नो कि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज ऐड की गई, और मेरा एम ही वो चीज़ था. बाकी आई हैव अ स्पेशल वीडियो फॉर यू, जहाँ पर हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में ज़्यादा बात की. दैट इज़ हाईली प्रोडक्टिव पीपल कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर चुके हैं उस बारे में. तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे. हरे कृष्ण.